दोस्तों डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 से एक बहुत ही पावरफुल कंटेस्टेंट अक्षय पाल इस सीजन को फिनाले से पहले ही बीच में छोड़ चुके हैं। जी हां, और दोस्तों इस तरह से शो में अब ओनली टॉप 7 कंटेस्टेंट्स ही रह गए हैं जिनका बीते 2 हफ्ते का टोटल जजेस स्कोरिंग रिजल्ट सामने आ चुका है जो कि बड़ा ही शॉकिंग है। तो चलिए दोस्तों ये जानते हैं कि आखिर कौन बीते 2 हफ्तों के टॉप 3 हाई स्कोरिंग कंटेस्टेंट हैं। जी हां, और कौन वो कंटेस्टेंट्स हैं जो इस हफ्ते रहेंगे एलिमिनेशन की रडार पर। तो दोस्तों लेटेस्ट स्कोरिंग लिस्ट के मुताबिक सबसे निचली पोजीशन यानी कि दोस्तों नंबर 7 पर है कंटेस्टेंट अंजलि ममगई। जी हां, हालांकि दोस्तों आपको बता देंगे लास्ट वीकेंड के दूसरे एपिसोड में अपनी इंजरी के चलते अंजलि परफॉर्म नहीं कर पाई और उन्हें कोई भी जजेस स्कोर नहीं मिला था दोस्तों, इस वजह से उनका ओनली 15 का ही टोटल जजेस स्कोर रहा। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 6 कंटेस्टेंट है समर्पण लामा। जी हां, जो कि एक शॉकिंग नाम है। दोस्तों बीते 2 हफ्ते के मुताबिक समर्पण का 34 का ही जजेस स्कोर है और वो टॉप 3 से बाहर हो चुके हैं। दोस्तों इसके अलावा 34 जजेस स्कोर्स के साथ बुगी एलएलबी नंबर 5 की पोजीशन पर है। वहीं दोस्तों कंटेस्टेंट हंसवी टोंग 36 के टोटल जजेस स्कोर के साथ नंबर 4 की पोजीशन पर आ चुकी हैं। जी हां, और दोस्तों इस हफ्ते अगर हंसवी को अच्छा खासा जजेस स्कोर मिला तो वे एलिमिनेशन से बच जाएंगी। वहीं दोस्तों टॉप 3 हाई स्कोरिंग कंटेस्टेंट की बात करें तो 38 टोटल जजेस स्कोर के साथ विपुल कांडवाल का नाम इस लिस्ट में आ चुका है। और दोस्तों इतनी टोटल जजेस स्कोर्स के साथ कंटेस्टेंट अनिकेत चौहान शो के नंबर 2 हाई स्कोरिंग कंटेस्टेंट बन चुके हैं। जी हां, यानी कि दोस्तों अनिकेत का टोटल जजेस स्कोर भी 38 है। वहीं दोस्तों बीते 2 हफ्ते के मुताबिक शो के नंबर 1 हाई स्कोरिंग कंटेस्टेंट बने हैं शिवांशु सोनी। जी हां, जिनको सबसे ज्यादा टोटल 40 का जजेस स्कोर मिला है। तो दोस्तों शो के फिलहाल के टॉप 3 हाई स्कोरिंग कंटेस्टेंट शिवांशु सोनी, अनिकेत चौहान और दोस्तों विपुल कांडवाल में से कोई भी एलिमिनेशन की रडार पर नहीं है। वहीं एलिमिनेशन का अब सबसे ज्यादा खतरा अंजलि ममगई, समर्पण लामा और दोस्तों बूगी एलएलबी पर है। अगर इस हफ्ते इनके स्कोर्स के साथ साथ वोटिंग भी इंक्रीज नहीं हुआ तो। जी हां दोस्तों, वैसे इसके बारे में आपका क्या मानना है।